Good morning, friends. I, Arun Dalal, welcome you again on our online platform of Vijeta Classes. So today our topic for discussion is a closed test, and this test is being followed by some idioms. मैंने आपको इनका एक्सरसाइज का पेज भेज दिया था. कुछ बच्चों की शिकायत थी कि वो खुला नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इसको WPS के ऊपर खोल सकते हैं, तो प्लीज उस पर एक बार ट्राई करके देखा करें आप, ये खुल जाया करेगा. ध्यान देंगे. कल आपको जो टेस्ट भेजा था उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार. आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो प्लीज मेंशन करते चलना. वेल, ध्यान देंगे प्लीज. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है. देखेंगे प्लीज. हमारा ये शुरू होता है, द इंडियंस एज अ ग्रुप आर नॉट कोहेसिव. बेटे सबसे पहली बात आती है, द इंडियंस एज ए ग्रुप. अगर हम भारतीयों की बात करते हैं एक ग्रुप के, अगर हम भारतीयों की बात करते हैं तो हम एक ग्रुप के तौर पर क्या नहीं है, यूनाइटेड नहीं है. हम इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड है. जब कभी भी हम इंडियंस की बात करते हैं तो हम इंडियंस के बीच में एक खाई पाई जाती है, एक डिच पाई जाती है जो हमें सेपरेट करती है. और वो किस चीज के बारे में है, वो है आपके, वो है आपके किस चीज के बारे में, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जात पात के आधार पे, जो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी बात हम यहां कर रहे हैं. तो यहां पर हम क्या है, यूनाइटेड नहीं है. हमारे बीच में किस चीज की कमी है, कोऑपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की कमी पाई जाती है. तो कई इसके आधार पाए गए हैं, उनको आज हम इस पैसेज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. यहां कहा गया है, द इंडियंस एज अ ग्रुप आर नॉट कोहेसिव, यानी यूनाइटेड. यहां मुझे एक कोटेशन याद आती है, अगर आप में कोई PGT इंग्लिश बैठा है या सिर्फ XY ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, उनके पेपर में अलंकारों में पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट बोली जाती है, बेटे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अक्सर बचपन में आप करते आए हैं. आप लोगों ने क्या किया है, यूनियन इज स्ट्रेंथ. आप लोगों ने वो एक बंडल ऑफ स्टिक्स की बात पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक एक स्टिक को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर उसको पूरे फैगोट बैंड को बांध दिया जाए, उसको बंडल बना दिया जाए, तो वो बंडल एक बारी में नहीं टूटेगा आसानी से. तो वैसा ही यहां बोला जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. आप लोगों के एग्जाम में ये सेंटेंस दिया जाता है, खास तौर पे NDA, CDS, CPO और आपके जितने भी ये टेट हैं, टीचर्स के हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी आता है आपका, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर ये दिया जाता है. पहली बात आया यहां पर यूनाइटेड. यूनाइटेड का उल्टा क्या होता है, डिवाइडेड. यूनाइटेड का उल्टा डिवाइडेड. दूसरी बात एक आया यहां स्टैंड. स्टैंड का उल्टा क्या है, फॉल. फॉल. अब जैसे राइज एंड फॉल होता है, वैसे ही स्टैंड का प्रयोग किया गया है. जब दो विपरीत शब्द अलग अलग उपवाक्यों में या वाक्यांशों में, अर्थात जब दो या दो से अधिक विपरीत शब्द दो फ्रेजेस में या क्लॉजेस में दिए जाते हैं, अगर वो इकट्ठे आते हैं बेटे, तो वो बोला जाता है ऑक्सीमोरॉन. और वे अगर अलग अलग आते हैं, वो अगर अलग अलग आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एंटीथीसिस. यहां कौन सा अलंकार आया हमारा, एंटीथीसिस. एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, थीसिस मतलब प्लेस्ड. जो अलग अलग दो विपरीत शब्द आए हैं उपवाक्यों के अंदर, यानी क्लॉजेस में या फ्रेजेस के रूप में, उसे क्या कहते हैं, एंटीथीसिस. और इकट्ठे आ जाए, सच झूठ, पाप पुण्य, ऊंच नीच, लेन देन, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ऐसे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं बेटा ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ये होता है विरोधाभास. ये क्या है, विरोधाभास.
और आपका जो एंटीथीसिस है ये भी क्या है, विरोधाभास। लेकिन दोनों में क्या था, थोड़ा सा अंतर था। वो अंतर मैंने बता दिया कि दो विपरीत शब्द अलग अलग उपवाक्यों में आएंगे तो वो क्या है, एंटीथीसिस, इकट्ठे आएंगे ऑक्सीमोरोन। अब ध्यान दीजिए, इंडियंस एज ए ग्रुप आर नॉट कोहेसिव, यानी यूनाइटेड, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है, हम मिसलेड हैं एक तरीके से। अमंग इंडिविजुअल्स, व्यक्ति से व्यक्ति हमारा कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। हर व्यक्ति लीडिंग कमांड पे होना चाहता है, ड्राइविंग सीट पे होना चाहता है। एक इडियम आता है बी ऑन द ड्राइविंग सीट। बी ऑन भी होता है और इन भी होता है, इन द ड्राइविंग सीट। इसका मतलब है बेटे जो लीडिंग पोजीशन पे है, यानी कर्ता धरता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ग्रुप्स, दूसरा, हम गुटों में बटे हुए हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने इतने सालों की गुलामी सही है। किसी भी और राष्ट्र को देखिए, वे कुछ एक सालों में ही 20-25-30 साल आजादी के हुए नहीं और वो डेवलप्ड की गिनती में आ गए। हिंदुस्तान आज भी क्या बोला जाता है, डेवलपिंग। वजह क्या है, हम यूनाइटेड नहीं है। आज के दौर को भी आप जज कर सकते हैं कि सारा का सारा जो हमारा पिक्चर चल रहा है उसमें, उस सीन के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि हम डिवाइडेड हैं। इसी कारण से हमारा हर कदम पे शोषण, एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस, अब इंस्टीट्यूशन आपके संस्थान भी होते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जो हमारे जैसे धार्मिक गुट बन जाते हैं उनके लिए भी कई बार इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग किया जाता है। स्टेट्स, राज्यों के, प्रोविंसेस, टेरिटरीज में भी हम लोगों ने अपने आप को बांट के रख रखा है। दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस्ड टू सेल्फिशनेस। और जब हम बटे होते हैं तो हम किसे देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। आप लोगों के सामने एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था, एक मूवी आई थी जिसका नाम था चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में जब तक वो टीम राज्यों में, जिलों में या शहरों में बटी हुई थी, जब तक वे अपने बारे में सोच रहे थे, धक्का मुक्की कर रही थी वो लड़कियां, एक दूसरे को मार रही थी, पीट रही थी, तोड़ रही थी, फोड़ रही थी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और जब वे यूनाइटेड हो गए तो वो वर्ल्ड कप उठा लाए। ये कमी हमारे अंदर हमेशा से देखने को मिली है। चाहे किसी भी राजा का शासनकाल देख लीजिए आप, अंग्रेजों को देख लीजिए, जो डिवाइड एंड रूल था, डिवाइड एंड रूल, बांटा तो उसे जाता है जो बटना चाहता है, जो समझदार है वो बटना ही क्यों चाहेगा। मैं आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करूं, आपका अपना दिमाग भी तो है, मैं कैसे आपका ब्रेन वॉश कर सकता हूं और किस हद तक कर सकता हूं, या फिर आपके पास आपके लाइक माइंडेड पीपल होंगे या फिर कुछ समझदार लोग होंगे उसमें जो आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज यहां थी, जब हम बट जाते हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है तो क्या होता है, सेल्फिशनेस, बस अपना, अपनी ईगो को देखते हैं हम। लैक ऑफ ट्रस्ट, जब हम बटे होते हैं तो हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैमिली के ऊपर, अगर उस परिवार के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में, तो क्या होगा, वे बटते चले जाएंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। और वो भरोसा ना करना किस चीज को जन्म देता। सर प्लीज टेल मी, ये क्लास नेवी एयरफोर्स या के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? वेल मिस्टर यादव, ये सारे के सारे कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास जो है आपकी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और प्लीज ये आपके जो फादर्स नेम बताओ, भाई सचिन यादव, ये इस प्रकार के मैसेजेस ना भेजे आप लोग। आप अपनी क्लास से संबंधित करेंगे और कुछ भी नहीं। मिस्टर यादव, आप लोग अपने टॉपिक से जुड़िए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हर टेस्ट के अंदर आती है, आप उसको बदल नहीं सकते। सिर्फ क्या है, थोड़ी सी इंटेंसिटी का फर्क रहेगा, इसकी गहनता। आपका जो एक्स वाई ग्रुप है उसमें थोड़े से नीचे आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं। इस प्रकार के पैसेजेस जो मैं उठा रहा हूं, ये एयरफोर्स, नेवी, इवन आपके एचसीएस का जो आता है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी छोटे छोटे पैराग्राफ दिए जाते हैं और उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके ये छोटे पांच पांच या चार चार नंबर के जो मैं उठाकर चल रहा हूं, ये सारे के सारे टेस्ट को टारगेट करते हुए है। अगर मैं सीधा सीधा बड़े बड़े पैराग्राफ्स उठाऊंगा तो वो आज के दिन मुख्य रूप से बैंक पीओ के अंदर आते हैं।
वहां पर उठाए जाएंगे, सीपीयू में उठाए जाएंगे, आपके सीजीएल और एसएससी में उठाए जाते हैं। लेकिन आपको छत पे चढ़ना है तो सीधे छलांग लगा के नहीं चढ़ते हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। तो ये स्टेप्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। टीचर्स आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम होता है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है, आपका डेस्टिनेशन है, वो क्या है आपका एम। और जितने वहां पर स्टॉप्स आए हैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जो स्टेप्स आपने इख्तियार किए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटे ये जो आपने लिखा था कि ये आर्मी एयरफोर्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसका फायदा उठाएंगे। और बेटे आपके पास पूरा का पूरा शेड्यूल भेज दिया जाएगा ये क्लासेस का। आप प्लीज ये मैसेजेस इस प्रकार के ना करके आप सीधे सीधे पॉइंट से जुड़े। ध्यान देंगे प्लीज। दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी ट्रेस्ड टू सेल्फिशनेस, लैक ऑफ ट्रस्ट। अभी इसी की बात कर रहे थे और वही चीज आपके मैसेजेस में देखने को मिल रही है। कुछ बच्चे, वो अपने हरियाणा में बोला जाता है कोई गावा दिवाली कोई गावा होली, मतलब सारे के सारे बटे हुए हैं। जब हमारा टॉपिक इसका चल रहा है, दिन तो है दिवाली का और ये रंग लगाते फिर रहे हैं, उठपटांग मैसेजेस जो टेक्स्ट किए जा रहे हैं, ध्यान देंगे उसमें क्या आता है, लैक ऑफ ट्रस्ट आता है, सेल्फिशनेस आता है, द इनएबिलिटी टू फाइंड जॉय इन वर्किंग टुगेदर। फिर हम काम भी नहीं कर पाते, जो काम किया जा रहा है उसकी खुशी हमें प्राप्त नहीं होगी, वजह हम तो बटे हुए हैं। फिर क्या है, एज ए टीम फॉर ए कॉमन गोल, और जो हमारा एक कॉमन गोल है उसके लिए हमें क्या जरूरत है, एक टीम की तरह काम करने की जरूरत है, लेकिन हम क्या है, खंडित हैं। फिर कहा गया है दिस लीड्स टू डिविजिवनेस, इसमें क्या आ जाएगा, हम बट जाएंगे और बटे हुए हैं। आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, फिर क्या आएगा, आलोचनात्मक टिप्पणियां आएंगी हमारे ऊपर, हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम क्या हो जाएंगे, सिनिकल हो जाएंगे, छिंद्रा निवेशी, दोष निकालेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे। विद ए रिजल्ट, विद द रिजल्ट इमेजेस आर टार्निश्ड यानी स्पॉइल्ड टेंटेड, उससे क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो धुंधली पड़ती जाएगी। वी विल बी एट अ लो एब, एट ए लो एब, ये क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। आप में से जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ाया जाता था टाइड्स यानी ज्वार भाटा, उसमें आता है एब एंड फ्लो, जो फ्लो आया वो तो ऊपर आया, एब में क्या हो गया, नीचे आ गया। तो जब कोई व्यक्ति डिक्लाइनिंग पोजीशन पे होता है, डिक्रीजिंग पोजीशन पे होता है, उसके लिए होता है एट ए लो एब। मैं मोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, हिज पॉपुलैरिटी इज एट ए लो एब दीज डेज, आजकल उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है। तो यहां पर वही बात आई थी, हम आलोचना करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी जो छवि है वो धीरे धीरे लो एब पे आ जाती है, डिक्लाइनिंग पोजीशन पे आ जाती है, स्पॉइल हो जाएगी, एंड द मेन पर्पस इज डिफीटेड। और फिर क्या होता है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो कहीं का कहीं रह जाता है, वो छूट जाता है, हम उसमें पराजय स्वीकार करते हैं। दिस फिनोमिनन, अब आपका जो नाउन का टॉपिक आता है बेटे, उसके अंदर एक टॉपिक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं नंबर, नंबर यानी वचन, वचन के ऊपर ये मान लेना नंबर के टॉपिक में एक नंबर का, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसे भी समझेंगे, फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या होता है बेटे, किसी चीज को करते हैं उसका जो तरीका आया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिनन। फिनोमिनन क्या होता है, एक वचन, इसका प्लूरल होता है फिनोमिना, जैसे क्राइटेरियन क्राइटेरिया, एजेंडम एजेंडा, अडेंडम अडेंडा, सिलेबस सिलेबई। तो फिनोमिनन आया तो ये एक वचन है, एक वचन है तो हमने क्या लगाया, इज। दिस फिनोमिनन इज विजिबल अमंग द ब्यूरोक्रेट्स, और ये जो रणनीति है, ये जो तरीका है, ये कहां दिखाई देता है बेटे, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, ब्यूरो
बेटे जो ये ब्यूरो शब्द है इससे बनता है ब्यूरोक्रेसी। एक तो आपसे स्पेलिंग पूछा जाएगा और दूसरी बात इसका मीनिंग पूछा जाता है। रूल और गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। अब इसे समझेंगे। जो क्रेसी है वो क्रेटियस से निकला था, उसका मतलब होता है टू बर्न, टू रूल, शासन करना। दूसरी तरफ ब्यूरोस किससे निकला था, पुराने टाइम में आपके डेस्क होते थे, लाला यानी बनिया, बनिया की दुकान के ऊपर एक व्यक्ति होता था जो सफेद जत्तर बिछाए बैठा होता था, उसके सामने एक बॉक्स होता था, वुडन बॉक्स, उसके अंदर उसके बही खाते वगैरह होते थे और बेटा उस पर बैठ के वो काम किया करता था। उसके सामने बैठ के उसे बोलते थे ब्यूरोस यानी डेस्क। जैसे जैसे हमने विकास किया, बैठने के लिए हमारे पास बेंच आ गया और सामान रखने के लिए डेस्क आ गया। दूसरी बात, फिर हमने धीरे धीरे और विकास किया, फिर क्या मिला हमें, ऑफिस चेयर मिल गई, सामने एक ऑफिस टेबल मिल गई। अब वो ऑफिस टेबल है उसके अंदर उसी तरीके से ड्रार्स होते हैं, वो भी डेस्क का ही काम करता है, लेकिन बैठने वाले जो लोग थे वहां पर उनका भी अपलिफ्ट होता रहा, वो ग्रेट। और फिर क्या है, उन्होंने जैसे जैसे एडवांस किया वे लोग क्या हो गए, अलग अलग प्रोफेशनल्स बन गए, अलग अलग डेजिग्नेशन प्राप्त करने लगे। अब वो जो डेजिग्नेटेड लोग थे वो बोले जाने लगे ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को मुख्य रूप से कौन चलाता है, ये पॉलिटिशियंस, ये तो किसी काम के नहीं है, इनके पीछे कौन है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईआरएस, आईएफएस, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स, ये क्या करते हैं, ये सारी रणनीति को जानते होते हैं। तो इनके द्वारा जब शासन किया जाता है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अब यहां पर क्या आया, दिस फिनोमिनन इज विजिबल अमंग द ब्यूरोक्रेट्स। ये जो तरीका है ये ब्यूरोक्रेट्स में यानी अधिकारियों के बीच में देखने को मिलता है। ये कौन सा तरीका है, ये तरीका था जो हमारा आलोचनात्मक रवैया है, अपनी इमेज को लेकर है। हम क्या होते हैं, कॉपरेट नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते, लेग पुलिंग करते हैं। फिर कहा द पॉलिटिशियंस, हर पॉलिटिशियन जब स्टेज के ऊपर होता है दूसरी पार्टी उसके सामने है, दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने को तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ जब हम लोगों के से अलग होते हैं वो तो इकट्ठे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। दूसरी बात, एक ही पार्टी के जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि सब पावर में आना चाहते हैं, सब अपना नाम चाहते हैं। तो वो क्या था, वो फिर से नीचे गिरने लगे हम, द इंटेलेक्चुअल्स। कल मेरे एक बच्चे ने पूछा था इंटेलिजेंट कौन होता है और वाइज कौन होता है। वाइज होता है बेटे बुद्धिमान, बुद्धिमान, और इंटेलिजेंट जो है वो इस प्रकार की चीजें बनके जो होशियार बना है, जो ट्रिकी भी हो गया है, वो क्या है, इंटेलिजेंट, जो वास्तव में लर्नेड है। आज के दिन हमारे लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करके एजुकेटेड तो हो गए हैं, लर्नेड नहीं बने हैं। इसीलिए अपने हरियाणा में एक कहावत बोली जाती है, पड्डे ओढ़ते कड्डे ओढ़ बाद होया करे। जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो जस्ट एजुकेटेड है, जो कढ़ा हुआ है यानी जिसने डिफरेंट स्टेजेस को कवर किया है, जो सोशल हो चुका है, जिसकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी हो चुकी है, वो क्या है, वो वाइज किस्म का बंदा है। यहां पर जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच में भी तालमेल नहीं है। अब यहां एक टर्म और आती है, जैसा कि मेरे बच्चे ने पूछा था कल वाइज और इंटेलिजेंट, वैसी एक चीज यहां आती है। एक होता है आर्ग्यू, आर्ग्यू यानी बहस करना, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, और एक होता है डिबेट, वाद विवाद। आप डिबेट क्या करो, आर्ग्यूमेंट मत किया करो। क्या करेंगे हम, डिबेट करेंगे, डिबेट यानी वाद विवाद। हमारे बीच में वाद विवाद तो होता नहीं, हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है। फिर कहते हैं द बिजनेस कम्युनिटी, और जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी बनी हुई है, हमारे अलग अलग जो व्यवसाय, व्यवसायों के संप्रदाय बने हुए हैं, उनमें भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, और इसी के कारण क्या जन्म लेता है, अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। एंड द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। कई बार आप कहते हो भाई ये स्पोर्ट्स स्पिरिट है, खेल की भावना है। खिलाड़ियों में भी अक्सर देखने को मिलता है एक प्लेयर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, वो अपना क्रेडिट लेना चाहता है, और अगर राइवल टीम का बंदा भी कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते, ये गलत है। वहां पर एक एडियम आता है, गिव द डेविल हिज क्रेडिट, गिव द डेविल हिज ड्यू। अब यहां आया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है बेटे, जो लड़के लोग होते हैं उनका आपसी भाई बंधुता, भाईचारा होता है, उसे कहते हैं फ्रेटर्निटी।
और अगर लड़कियों का बहनतव या बहनचारा होता है उसको कहते हैं सॉरोरिटी। आपका डेथ का टॉपिक आएगा, उस डेथ के टॉपिक में भाई की हत्या को कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड। और बहन की हत्या को क्या कहते हैं? सॉरोरिसाइड। सॉरोरिसाइड। ये था बहन की हत्या और फ्रेट्रीसाइड है बेटे भाई की हत्या। फ्रेटर्निटी किसके लिए निकला? भाई बंधुत्व के लिए, इसीलिए आगे मैंने लिख भी दिया था ब्रदरहुड। फिर कहता है बेटे ऑल दोज हुम मैटर, ये जो सारी चीजें मैटर करती हैं जिन लोगों के साथ, एंड हु गिव ए पुअर अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स, और ये जो हमारा जो वर्णन करती है बड़ा खराब किस्म का, एज ए ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में, डिस्पाइट इंडिविजुअल्स, अलग अलग होने के बावजूद भी ब्रिलियंस, डिस्पाइट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। हम लोग ब्रिलियंट हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, सबसे ज्यादा। आप कहीं पे भी चले जाइए किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जैसे अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, वहां पर आपके डॉक्टर्स इंजीनियर्स कहां से? इंडिया से, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट पीपल, इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन यहां आके क्या हो जाता है, सारी चीजें होने के बावजूद भी हम क्या है, पिछड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारा टारगेट है ये, और अगर हम क्या करें, इन उंगलियों को खोल के एक एक से अटैक करते हैं तो उंगलियां टूट जाएंगी। हम मुट्ठी बन के अगर इसके ऊपर हल्का सा भी पंच करेंगे तो ये टारगेट हिट हो जाएगा। अब वही है, हमारी सारी उंगलियों में फोर्स है, पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन हम डिवाइडेड हैं। हम ब्रिलियंट हैं लेकिन डिवाइडेड हैं। फिर कहता है दिस कॉन्ट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर, कॉन्ट्रास्ट, ये जो ऑपोजिट कंडीशन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोध है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रास्ट इज ह्यूमन बिहेवियर, हमारे मानवीय स्वभाव के अंदर, कैन परहैप्स बी ट्रेस्ड टू एज ओल्ड बिलीफ्स, ये कहां देखा जा सकता है, जो हमारे सदियों पुराने बिलीफ्स हैं। बिलीफ्स यानी जो प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, सिद्धांत हैं, वाद हैं, मत हैं, उनमें देखा जा सकता है। रिलीजियस टॉलरेंस, अभी आपका इंटॉलरेंस, असहिष्णुता के ऊपर एक मुद्दा उठाया था आमिर खान जैसे नैरो माइंडेड लोगों ने। रिलीजियस टॉलरेंस या धार्मिक जो सहिष्णुता है उसकी बात की गई है। फिर कहता है पॉवर्टी, निर्धनता, एंड डाइवर्सिटी इन डे टू डे लिविंग कंडीशंस, और हमारे अंदर जो भिन्नता है किसमें, रोजमर्रा के हमारे रहन सहन के अंदर, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। बेटे जिस दिन अपने हिंदुस्तान से जातपात, धर्म, क्षेत्रवाद ये खत्म हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान से बढ़िया कोई राष्ट्र नहीं है। जब एक टीचर क्लास में आता है वो किसी की जातपात नहीं पूछता, किसी का गोत्र नहीं पूछता, किसी का क्षेत्र भी नहीं पूछता, वो अपनी ड्यूटी करके चला जाता है। ये कौन उठाते हैं? ये हमारे पॉलिटिशियंस उठाते हैं। कौन उठाते हैं? हमारे धर्मगुरु उठाते हैं। आप किसी सोल्जर को लीजिए, वो जब कभी भी कोई भी कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा आती है, विपदा आती है, वे लोग डिवाइडेड नहीं है, वे यूनिटी के साथ काम करते हैं, वो सबको एक नजर से देखते हुए सबकी सेवा करते हैं। उसमें उन्होंने किसी जात बिरादरी को नहीं देखा, किसी धर्म मजहब को नहीं देखा, किसी क्षेत्र को नहीं देखा, और इसीलिए हम लोग उन लोगों को सैल्यूट करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस को सैल्यूट नहीं करते, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर सारे की सारी क्या चीजें आई हैं? सारी की सारी इसी प्रकार की चीजें हैं जो हमें कहां ले जाती हैं, इस डिच के अंदर लेकर जाती हैं, इस खाई में लेकर जाती हैं। तो अब हमें किस चीज की जरूरत है? यूनिटी की, कोऑर्डिनेशन की, सेल्फिश मोटिव को छोड़ना है और सेल्फलेसनेस की तरफ चलना है, निस्वार्थ। हम किसकी बात करते हैं? राइट्स की। हमें राइट्स को छोड़ के किसकी बात करनी है? ड्यूटी की बात करनी है। यह था हमारा आज का पैसेज। मेरे बच्चे ने जो पूछा था मुझसे कि भाई ये एक्स वाई ग्रुप में, बेटे ये एक्स वाई ग्रुप में आता ही आता है, इस प्रकार के पैराग्राफ्स उठाए जाते हैं, और एचसीएस में इसके अंदर जो छिपा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। उसके लिए आपका एक एडियम आता है, वो एडियम मैं मेंशन कर देता हूं, उसको कहते हैं बेटे टू रीड बिटवीन द लाइंस।
टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो चीज व्यक्त नहीं है अव्यक्त है उसको समझना, गूढ़ अर्थ को समझना, उसे कहते हैं बेटे रीड बिटवीन द लाइंस। मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था और उस टाइम हमारा एग्जाम चल रहा था और उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, और वो बच्चा मेरे लिए उंगली मार दे यहां हमारे पेट में कोंच में और कहे बता देना, और मैं बार बार कह रहा हूं अबके ना टोकियो, अबके ना टोकियो, ये जो टोकियो मैं बोल रहा हूं ये टोकियो के लिए था, लेकिन मैं इनडायरेक्टली उसको सजेशन दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। वो क्या है बेटा, उसको समझना, वो है रीड बिटवीन द लाइंस, ही वाज अनेबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो छिपे हुए गुड अर्थ को समझने के लिए था ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये केवल एक पैराग्राफ नहीं है बल्कि ये हमें डायरेक्शन देने के लिए है कि अभी भी हम जाग जाएं, अपनी जॉब को पकड़ें, अपनी ड्यूटीज की बात करें और सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते हुए अपने राष्ट्र को फिर से संगठित करके ऊपर उठाएं, मानव कल्याण की बातें करें, मानवता की बात करें। अब आता है बेटे हमारा इसके अंदर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को देख लेंगे प्लीज, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, व्हाई आर द इंडियंस नॉट कोहेसिव एज ए ग्रुप, हम जो इंडियंस हैं वो कोहेसिव क्यों नहीं हैं, यानी यूनाइटेड क्यों नहीं हैं एक ग्रुप के रूप में। अब यहां पर देखने वाली बात यह है बेटे, हम बटे हुए क्यों हैं, किस आधार पे बटे हुए हैं, उसको समझने की कोशिश करो। कोहेसिव का मतलब क्या बताया था, यूनाइटेड। देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड नेशंस, इसमें केवल दो ही बातें लिखी गई हैं, हम डिवाइडेड हैं, किसमें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन राज्यों में और राष्ट्रों में, यह अधूरा हो गया। देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड कंट्रीज, अब यहां पर कंट्रीज की बात आई, ग्रुप्स की बात आई, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स तो ठीक था, कंट्रीज यह मेंशन नहीं था। फिर देखते हैं, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनीज ऑफिसेज कॉलेज या कॉलेजेस, ये भी नहीं। आगे देखते हैं, देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट्स, हम किसको लेंगे बेटा, डी ऑप्शन। कभी भी जब पैराग्राफ को अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा गांठ मान लीजिए, आप समझने के लिए पैराग्राफ के बाहर जा सकते हो लेकिन उत्तर कहां से देंगे, उसके भीतर भीतर से। हमेशा याद रखना, आप समझने के लिए बाहर निकल सकते हो कॉमन सेंस के लिए, टू रीड बिटवीन द लाइंस, लेकिन यू आर सपोज्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जस्ट विद इन द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ योर पैराग्राफ। आगे आया बेटे, इसमें कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। फिर आया बेटे, What does lack of coordination lead to? हमारा जो lack of coordination है वो किसकी तरफ लेकर जाता है बेटे, राखी आपने मिस्टर वर्मा और मिस सिंगला बिल्कुल ठीक लिखा है पिछले का, शाबाश। What does lack of coordination lead to? अगर हम divided हैं तो वो किस चीज की तरफ लेकर जाएगा हमें, divisiveness and dejectedness, deject क्या होता है बेटे, आकाश, निराश, परेशान, परेशानी का सबब बन जाएगा, हो सकता है डिविजिवनेस की तरफ लेकर जाएगा, डिविजिवनेस एंड आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म, ये हमें बांट भी देगा और फिर क्या आएगा, आलोचना हो शुरू हो जाएगी, हम बट भी जाएंगे और बटने के बाद क्या करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ये, आस्किंग फॉर क्रिटिसिज्म एंड डिप्रेशन, गलत हो गया बेटे, नथिंग इन पर्टिकुलर, हमारा कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, बी ऑप्शन, क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आएंगे बेटा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डल, बेटे लॉस ऑफ ब्राइटनेस और डलनेस के लिए हमारे पास एक शब्द आया था जिसमें मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखा था टिंट, टिंट डल। अब यहां आया ब्रिलियंस, ये तो चमक के लिए हो जाएगा, गलत हो गया, ल्यूमिनस ये भी गलत हो जाएगा, शेडो छाया हो सकता है, टार्निश हो सकता है। अब पैराग्राफ के अंदर कौन सा आया था,
पैराग्राफ के अंदर ये था, ये ना होता तो हम किसको लिखते, इसको लिखते, क्योंकि शेडो भी क्या करती है बेटे, किसी चीज के ऊपर गिरती है तो उसको कवर कर लेती है, उसके जो ब्राइटनेस है उसको ढक लेती है। तो ये दो तो हमारे कट गए, बचे क्या, ये दो शब्द पैराग्राफ में कौन सा दिया गया था, टार्निश, टार्निश थर्ड में ए, ए बेटे ए गलत हो जाएगा अगर आप किसकी बात करते हैं, यहां पर लॉस ना लिखते, लॉस ना लिखते बेटे तो हम एको कर देते मिस्टर वर्मा मिस्टर यादव, तो हम एको करते बेटा ब्रिलियंस के लिए। लेकिन अब बात किसकी की गई है, जिसका अर्थ क्या होता है, लॉस ऑफ ब्राइटनेस, लॉस ऑफ मतलब लैक ऑफ ब्राइटनेस, कमी होना, कमी कहां है, इन दो के अंदर है बेटा। सॉरी टू से ये गलत हो गया, आप चूक गए बेटे, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट कैन द कंट्रास्ट इन ह्यूमन बिहेवियर बी ट्रेस्ड टू, बेटे व्हाट कैन द कंट्रास्ट, जो विरोधाभास है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर वो किस चीज की तरफ लीड करता है, हमें कैसे देखा जाता है वो, अब उसकी बात करेंगे। कहता है बेटा एज ओल्ड बिलीफ्स, डाइवर्सिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन डे टू डे लिविंग, बेटे हो सकता है, हो सकता है। फिर कहता है बेटे एज ओल्ड ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये अधूरा है, गलत हो गया। एज ओल्ड बिलीफ्स, रिलीजियस टॉलरेंस, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी, ये हमारा इसमें दिया गया था तो हम किसमें आएंगे, इस पे एक पर आएंगे, नथिंग इन पर्टिकुलर गलत हो गया। ये ना होता तो हम किसकी तरफ चलते, इसकी तरफ बढ़ सकते थे। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, सी। वेल मेरे बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बहुत ही बढ़िया दिया है, राखी बिटिया ने, वामा जी ने, सिंगला जी ने, और विकास जी ने भी, और मिस्टर यादव ने भी, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ध्यान देंगे प्लीज, ऑल हिज किथेनकिन, पहली बात किथेनकिन क्या होते हैं बेटे, किथेनकिन होते हैं बेटे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, नाते रिश्तेदार जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं किथ एंड किन, नाते रिश्तेदार। ऑल हिज किथेनकिन ऑर्डर्ड, अब बेटे ऑल आया था, ऑल प्लूरल हो गया, ऑल हिज किथेनकिन उसके सारे नाते रिश्तेदार। एक बात का और ध्यान रखना बेटे, एरर्स के टॉपिक में कई बार आपको लिखा लिख कर दिया जाता है हिज ऑल फ्रेंड्स, ये गलत हो गया, ये ऑल पहले आएगा, इधर हिज बाद में आएगा, ऑल हिज फ्रेंड्स, ये अक्सर आपके एरर्स के टॉपिक में दिया जाता है। अब ध्यान देंगे ऑल हिज किथेनकिन ऑर्डर्ड, बेटे पास्ट में बात चली गई, फॉर अ न्यूली रिलीज सोशल मूवी अ फ्यू डेज अगो, अब अगो आया बेटे, अगो आया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, यहां तक ये भी ठीक था, फॉर ए न्यूली रिलीज सोशल मूवी, ए न्यूली रिलीज सोशल मूवी, मूवी एक नाउन है, सोशल इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिलीज भी एडजेक्टिव है, न्यूली इसके लिए आया, एडवर्ब बन गया, तो ये जैसे न्यूली इमर्जिंग आया था। अब हमारा डाउट ए फ्यू डेज अगो में नहीं है, यहां तक नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब मुद्दा उठता है इसके ऊपर, क्या ऑर्डर के साथ फोर लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता, हमेशा ध्यान रखना। मिस्टर यादव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिफ्थ में बी, मैं लिखता हूं ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, बेटे ध्यान देंगे उसने एक कप कॉफी के लिए क्या दिया, ऑर्डर प्लेस किया। जब ये ऑर्डर्ड आता है तो इसके साथ कभी भी फॉर नहीं लगाते, हम सिंपल लिखेंगे ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, क्या लिखेंगे बेटा, He ordered a cup of coffee. Clear? Next में चलते हैं हम, your letters, your के साथ noun आ गया, इसका मतलब यहां पर yours तो आएगा नहीं, इतना ठीक है। Letters must not exceed, modal है, negation है, must के साथ verb का first form आया, exceed बढ़ाकर लिखना, एक होता है exceed, he acceded to my request,
उसने मेरी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लिया। ये एक्सीड किसके लिए था? कल हमने बात की थी एक्सेस अप्रोच के लिए, अप्रोचेबल एक्सेसिबल कल हमने किया था। तो एक्सीड क्या है? स्वीकार करना। और ये एक्सीड क्या है बेटे? एक्सलरेट करना, गति बढ़ा देना, ज्यादा करना। योर लेटर्स मस्ट नॉट एक्सीड। अब ये लेटर्स, ये पत्र नहीं है यहां पर, ये क्या आए? ये वर्ण आए, वर्ण आए यानी अक्षर आए। मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 250 वर्ड्स। अब बेटे ओ सॉरी, मैं फिर से गलत बता गया, ये अक्षर नहीं, ये जो आपके पत्र हैं, आप जो लेटर्स लिखेंगे पेपर के अंदर वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। दूसरा लिखा मोर देन 250 वर्ड्स, लेटर के अंदर 250 शब्द आएंगे आपके, 250 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो बेटे जो ये एक्सीड आया, एक्सीड के बाद यहां ये कंप्लीट है, जैसे ऑर्डर के साथ फॉर सुपरफ्लुअस था तो एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आएगा। क्या काट देंगे हम? मोर देन को काट देंगे, तो ये कौन सा आ जाएगा? सी। यादव साहब आपका ये गलत हो गया, ऑर्डर के साथ डैश टू आ सकता है सर, साथ ये क्या लिखा आपने स्टार बनाकर मंजू जी? यादव साहब डी गलत हो जाएगा, मोर देन आएगा इसमें, मोर देन कटेगा इसमें। जैसे यहां पर फॉर सुपरफ्लुअस था ऑर्डर के साथ, वैसे एक्सीड के साथ कभी मोर देन नहीं लगाते। मिस्टर शोरण आप ठीक कह रहे हैं, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर के साथ टू आ सकता है, He ordered me to go there. Miss Manju, he ordered के साथ यहां पर to का प्रयोग नहीं किया जाएगा, he ordered me. लेकिन आगे जो काम किया जाता है उसके साथ लगाया जाता है to. आप लोगों के voice के अंदर एक topic आता है imperative sentences का, उसे देखेंगे। आप क्या कहते हो? शट द डोर एट वंस। अब इसका पैसिव बनाते हो, आप क्या लिखते हो? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर एट वंस। ये जो वर्ब के साथ तो टू आ सकता है, लेकिन यहां पर अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो टू नहीं लगाया जाता। मंजू जी जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगेगा, और जब जो एक्शन आया है उसके साथ टू इंफिनिटिव बनाया जाता है। किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ ऑर्डर्ड टू नहीं लगाया जाएगा, रिक्वेस्टेड टू नहीं लगाया जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, आई रिक्वेस्ट टू यू नहीं होता। The teacher forbade to the students नहीं होता, forbade the students to go there। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे प्लीज सेवंथ के ऊपर, सेवंथ को देखेंगे। She did not say, She हमारा सब्जेक्ट है, did हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म did के कारण आया, यहां तक ठीक है। She did not say at all, at all का मतलब है altogether, बेटे बिल्कुल भी नहीं, not at all, अक्सर बोलते हो। यहां दो शब्द आते हैं, एक होता है altogether, एक होता है altogether। जो ऑल टुगेदर है सभी इकट्ठे, और ऑल टुगेदर है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो अब यहां पर देखेंगे प्लीज, शी डिड नॉट से एट ऑल दैट शी विल। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है? पास्ट, ये पास्ट में है, लेकिन आगे क्या दिया गया है? विल।
She will bring her personal notes in the library. Did she? अब ये question tag भी आ गया. हमारी गलती कहां पर है? Will नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बेटा? Would. क्या लगाएंगे यहां पर? Would. आगे बढ़ जाते हैं. She asked him. मंजू जी आपने पूछा था ordered के साथ to, तो यहां पर asked के साथ to का प्रयोग नहीं किया जाता. She asked him for some paper. Paper. अब paper क्या है? कागज जो है. अब देखेंगे इसको. She asked him for some paper, but he. अब asked हमारा क्या आया था? Past. और ये चीज तो उसके पास पहले से नहीं है. अब हमारे has not और has none दो तो खत्म हो गए. अब यहां पर देखेंगे उसके पास कोई कागज, बट ही hadn't. hadn't लिखेंगे तो एनी होना चाहिए था. hadn't एनी. इसका मतलब कौन से की तरफ जाएंगे हम? सी ऑप्शन की तरफ. कहां चले जाएंगे? सी ऑप्शन की तरफ. नहीं बेटे वर्मा जी, एट्थ में ए गलत हो जाएगा. हैड नॉट के साथ क्या लगाना पड़ेगा? hadn't एनी. यहां पर सम पेपर आया था, hadn't एनी, और जब हैड नन लगा दिया तो ये अपने आप में कंप्लीट हो गया. यादव साहब आपने सी बिल्कुल ठीक ऑप्शन दिया है. शिवानी जी ने भी ठीक बोला है. वर्मा जी आप गलत हो गए. कुमार साहब आपने भी गलत लिख दिया. ये आगे बढ़ते हैं. नाइदर द चेयरमैन. बेटे नाइदर और नोर का कॉम्बिनेशन दिया गया है. एग्रीमेंट के टॉपिक में आता है आइदर, आइदर और नाइदर नॉर. फिर आता है नॉट ओनली, और यहां पर आता है बट ऑल्सो. बट ऑल्सो बेटे ऐसे केस में आप लोगों को सब्जेक्ट दिया जाता है. यहां दिया जाता है सब्जेक्ट नंबर वन, यहां दिया जाता है आपको सब्जेक्ट नंबर टू. ऐसे में जो वर्ब आती है या प्रोनाउन आता है वो नजदीक वाले के अनुसार आता है. अब यहां पर देखेंगे नाइदर. नाइदर किसके लिए आया? द चेयरमैन के लिए. नाइदर द चेयरमैन. खेल खत्म. नॉर किसके लिए आया? द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. मेंबर्स हमारा प्लूरल है. ऑफ से पहले, प्रेपोजिशन से पहले वाले को देखते हैं. और मेंबर्स के कारण क्या आया? वर्क. वर्क प्रेजेंट फॉर द एनुअल मीटिंग. ये हो सकता है. अब दूसरी बात, वर्क प्रेजेंट एट द एनुअल मीटिंग, ये भी हो सकता है. वॉज प्रेजेंट फॉर, वॉज गलत हो जाएगा. हैव बीन प्रेजेंट, हैव नहीं आएगा. तो हम इसमें किसको लेंगे बेटा? जो नाइन्थ आया है. यहां पर एट के बारे में सोचें या फोर के बारे में सोचें? मुद्दा सिर्फ इसका है, जब हमें यह लग रहा है वो उस मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं. एट द मीटिंग, एनुअल मीटिंग, तो ये होता हम प्लेस की बात करते, तो प्लेस तो यहां पर दिखा नहीं सकते. तो हमारा वहां पर क्या आ जाएगा? पर्पस. तो हम किसको लिखेंगे? नो इंप्रूवमेंट. नो इंप्रूवमेंट. नहीं बेटा नहीं, मैं माफी चाहूंगा. नाइन्थ में बी आपका गलत हो गया. सिंगला जी, कुमार साहब, शौरंग जी, वर्मा जी, गलत हो जाएगा. बी इसलिए गलत हो गया बेटे क्योंकि मेंबर्स आया है. मेंबर्स प्लूरल है. ये हमारा जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी. आपको क्या बताया? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं. वर्ब और प्रोनाउन हमेशा किसके अनुसार आते हैं? सेकेंड सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट में हमारा नोर के बाद क्या आया? मेंबर्स. मेंबर्स प्लूरल है तो क्या आएगा? वर्ब. तो ये बी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. यादव साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने डी लिखा, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. ध्यान देंगे प्लीज. I wish to bring out. बारीकी से पढ़ना बेटे इसको. बड़े ध्यान से पढ़ेंगे टेंथ को.
शाबाश, आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक ऑन द 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ। बेटे ब्रिंग आउट, इसका मीनिंग देखना है हमें। पहली बात, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का क्या मीनिंग होता है? ब्रिंग ऑफ बेटे, जब आप किसी काम को करने में सफल होते हो उसको क्या कहते हैं? ब्रिंग ऑफ। तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। ब्रिंग फोर्थ, कोई चीज किसी चीज को लीड करती है या सक्सेस को के बारे में जानकारी देती है, प्रोड्यूस करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ब्रिंग डाउन गलत हो गया तो क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट। ब्रिंग डाउन क्या था? किसी चीज को नीचे लाने वाली कंडीशन में यूज किया जाता है। दूसरा कब यूज किया जाता है? किसी को गिराने की कोशिश की जाती है, वहां पर ब्रिंग डाउन। ब्रिंग फोर्थ, जब कोई चीज किसी चीज को लीड करती है या उसके को उसे प्रोड्यूस करती है। और ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ का प्रयोग क्या कब किया जाता है? जब आप किसी काम को करने में सफल होते हो। तो इसका मतलब ये तीनों हमारे कट गए। ब्रिंग आउट का मतलब क्या था फिर यहां पर? उसका पब्लिकेशन होना, वो चीज जब पब्लिश हो जाती है, जब वो पब्लिश हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? ब्रिंग आउट। इसकी बात की है नई किताब के प्रकाशित होने की, पब्लिश करने की। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डेमेट्रियस। ओवर हेड एंड ईयर्स, एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं। माय फ्रेंड इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। मेरा दोस्त कर्ज में बाल बाल दबा हुआ है, पूरी तरह से दबा हुआ है। तो पूरी तरह से किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। मंजू जी ने लिखा सी, टेंथ में गलत हो गया बच्चे, सॉरी, इलेवेंथ में। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव, वो पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। केयरफुली गलत हो जाएगा, सावधानी पूर्वक आ गया। कंप्लीटली, थॉरली हो सकता है। ब्रिलियंटली, बड़ी समझदारी पूर्वक गलत हो गया। कॉशियसली, सावधानी पूर्वक क्या आ जाएगा हमारा इलेवंथ में? बी। तक्षक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, कुमार साहब ने, अरे वाह इतने बार बी। मिस सिंगला ने भी ठीक कहा है, मिस्टर वर्मा भी ठीक कह रहे हैं, ये तो सबका ही ठीक है। पार्टी लेकर मानोगे आज आप। मिस्टर ककरानिया ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे बढ़ते हैं ट्वेल्थ की तरफ। ए पर्सन हु सपोर्ट्स पीस एंड रिफ्यूजेस टू फाइट इन ए वॉर, वो व्यक्ति जो शांति की स्थापना करना चाहता है और बेटे युद्ध के अगेंस्ट रहता है, युद्ध का समर्थन नहीं करता। अब यहां पर हमारे पास क्या आया है? एक तो आया पहला फासिस्ट। आप लोग कई बार सिविक्स में पढ़ते हैं फासीवाद, फासीवाद, ए वे ऑफ रेफरिंग टू समबडी दैट यू डिसअप्रूव ऑफ बिकॉज दे हैव राइट विंग एटीट्यूड्स। अब बेटा इसको पूरी तरह से खोलकर तो कौन बता सकता है? आपके जो टीचर हैं सिविक्स के, पॉलिटी के, ये कोई राइट विंग सिस्टम और गवर्नमेंट होती है उसके लिए होता है, तो फासिस्ट गलत हो जाएगा। पैसिफिस्ट हो सकता है, इसमें एक आया नार्सिसिस्ट, इसे भी जान लीजिए आप लोग। ये क्या होता है? जब आपका इंटरेस्ट किसी चीज में बहुत ज्यादा है, किसी चीज में मतलब अपने प्रति, अपनी अपीयरेंस के प्रति, उसे क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट, यानी एक तरह से जो है अहमवादी। ये भी गलत हो जाएगा, जो अपने आप से मोहब्बत करके चल रहा है। फैटलिस्ट, फैटा, अगर ईस्ट को देखें तो व्यक्ति के लिए होता है, जैसे साइंटिस्ट, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, और फैटल अकेले को में, तो फैटल होता है लीथल, डेडली, घातक, जानलेवा, उसे हम फैटल कहते हैं। लेकिन फैटलिस्ट बोला जाता है तो यह है भाग्यवादी। भाग्यवादी जो कंप्लीटली ब्लाइंडली किसमें फेल करता है? डेस्टिनी में, लक में, फॉर्च्यून में। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? पैसिफिस्ट। बेटे आपका एक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसे क्या कहते हो? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इससे बनता है पैसिफाई, पैसिफाई, शांत करना, शांत करना, इससे बनता है पैसिफिज्म,
आपने जो पैराग्राफ किया था कॉम्प्रिहेंशन का, उसके अंदर आया था बिलीफ। बिलीफ यानी जो बात है, मत है, सिद्धांत है, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डिक्ट्रिन। तो पैसिफिज्म शांतिवाद, जो शांति के भाव में विश्वास करता है, और पैसिफिस्ट शांतिवादी। इसके लिए बेटे तीन इडियम्स आते हैं, वो इडियम्स नोट कर लेंगे फटाफट। एक आता है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। एक आता है पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। और एक आता है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, बेटे ये तीनों के तीनों आइडियम्स शांति स्थापित करने के लिए यूज किए जाते हैं, मामले को निपटाने के लिए, मामले को निपटाने के लिए यूज किए जाते हैं। मेरे एक बच्चे ने, तक्षक साहब ने पूछा है नार्सिसिस्ट का क्या मतलब होता है सर। बेटे नार्सिसिस्ट होता है आत्म विमोही, जो होता है अपने आप में मोह रखने वाला होता है, अपने आप में जो इंटरेस्ट लेता है, एक्सेसिव इंटरेस्ट इन वन सेल्फ और इन वन्स फिजिकल अपीयरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट, आत्म विमोही। अब सुनेंगे बरी द हैचेट। बेटे एक ऐसा सा हथियार होता है, गड़बड़ कर दी, बरी द हैचेट, अकेले अकेले लिख के समझा रहा हूं। एक ऐसा सा हथियार होता है बेटे जिसे आप कहते हो फरसा, ये क्या होता है, हैचेट, हैचेट। इसको दबा देना, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी की ये जो फैकल्टी है ये काम करना बंद कर देती है। वो कई बार कहते हैं गुस्से में कान भी बंद हो जाते हैं, आंखें भी बंद हो जाती है, और दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाती है, बस मुंह खुला रहता है और हाथ पैर चलते हैं। तो बेटा जो समझदार लोग होते हैं, आप जैसे जो समाज के मौजूद लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा उस टाइम पे जो हथियार ले रखा होता है उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, ताकि जो लड़ाई है, झगड़ा है, वो कहां सुनी, थप्पड़ चट्टू, थोड़ी गाली गलौज आदि में ही निपट जाए, कोई ज्यादा नुकसान ना हो। तो उसको कहते हैं शांति स्थापित करना, यानी बरी द हैचेट। दूसरा मैंने लिखा था होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ऑयल होता है बेटे जैतून का तेल। पुराने टाइम पे जब लड़ाई या झगड़ा होता था, जो दो कबीलियाई लोगों के बीच में, दो कबीलों के बीच में, तो उस टाइम पे जो उनके सरदार होते थे वो क्या किया करते थे बेटे, ये ऑलिव ब्रांचेस को एक्सचेंज करते थे शांति के रूप में, वो शांति संदेश के रूप में होता था। फिर जैसे जैसे उन्होंने विकास किया, तो वो जो अपना ट्विग्स क्राउन होता था, टहनियों और फूलों का बना हुआ जो ताज होता था, वो एक दूसरे को पहनाकर शांति स्थापित किया करते थे। तो बेटा ये वहां से निकला था होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। अगर आप यूएनओ का सिंबल देखते हो, उसके दोनों तरफ पत्तियां बनी हुई हैं, वो किसका संदेश देती है, शांति का। निकला कहां से है, बाइबल में पढ़ोगे तो उसमें एक दाऊ का किस्सा था, एक फाख्ता को दिखाया गया है। उस कहानी में बताया गया है कि लोगों ने एक बार देवताओं की अवहेलना करनी शुरू कर दी, जिससे देवता रुष्ट हो गए और वो इतने खफा हो गए कि उन्होंने अपना विध्वंसकारी रूप धारण कर लिया। और उस टाइम पे उन्होंने, जैसे एक आपका किस्सा आता है अपने महाभारत के अंदर, जब श्री कृष्ण जी को उस पर्वत को उठाना पड़ा था, गोवर्धन पर्वत को, उस टाइम पे लोग इंद्र देवता की पूजा करना बंद कर देते हैं, वो खफा हो जाते हैं, उन्होंने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया था। वैसे ही वहां बाइबल में लिखा गया है देवता रुष्ट हो जाते हैं, वो भी अपना प्रकोप ढहाते हैं।
और उस टाइम पे धरती के ऊपर जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर जब यहां हाहाकार मचा हुआ था तो उन देवताओं में से एक दूसरे को समझाने कितने हुए कहता है अगर ये सारे मर जाएंगे हमें पूछेगा कौन। तो उस टाइम पे वो थोड़े से शांत होते हैं और तब एक डाव को दिखाया गया है, एक फाख्ता को दिखाया गया है जो चोंच में पत्ते दबाकर जा रही है पुनर्वास के लिए। वो क्या किस चीज का सिंबल था कि अब सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, अब दोबारा से बसने का टाइम आ गया है। वहां से बोला जाता है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच और ये बरी द हैचेट, और एक आया था पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। ध्यान देंगे प्लीज, कभी जब कोई बच्चा जल जाता है तो बड़े बूढ़े क्या करते हैं उसको एक ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, जैसे टूथपेस्ट भी लगा देते हैं जिससे उसको शीतलता मिले। तो वहां पर यूज किया जाता है होल्ड आउट सॉरी पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। तीनों का मतलब क्या होता है, शांति स्थापित करना, मामले को निपटाना, और हमारा यहां पर क्या आया था पैसिफिस्ट शांतिवादी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे आया वन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट्स और नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट वन ओज। बेटे वो व्यक्ति जो अपना ऋण अदा नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं, वो व्यक्ति जिसने कर्ज ले रखा है और वो अपने कर्जे को उतार नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, लेंडर। लैंड होता है बेटे बोरो उधार लेना, लैंड उधार देना, तो उधार देने वाला कौन है, लेंडर, ये गलत हो जाएगा। बैंकर ये भी गलत हो गया। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो बंदा होता है जो ऋण अदा कर सकता है। केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री से अलग इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो यहां सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो ऋण अदा कर सकता है। साथ में इन लगा दिया इनसॉल्वेंट, यानी जो बैंकरप्ट है, जिसका दिवालिया निकला हुआ है, जो इस हालत में नहीं है वो अपना ऋण अदा कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, सॉरी डी गलत कर दिया आपने, शौरम साहब सॉरी राखी जी, यादव साहब, कुमार साहब, सब ने ही गलत हो गया, खोखर साहब गलत हो गया, और मिस्टर ककरानिया गलत हो गया, तक्षक साहब नहीं बेटे बैंकरप्सी, ये तो टर्म हो जाएगी दिवालियापन। हम बात किसकी कर रहे हैं, वन हु इज अनेबल टू, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इंसॉल्वेंट आएगा, बैंकरप्सी नहीं, वो तो स्टेट है, एक कंडीशन को बता रहा है, गलत हो जाएगा। नहीं मंजू जी बिल्कुल नहीं, आप मिसलीड हो गए, क्या बनेगा इंसॉल्वेंट, अगर ये होता ना बैंकरप्ट, बैंकरप्ट तो ये ठीक था, ये वो व्यक्ति है, और बैंकरप्सी क्या है, ये तो स्टेट है, एक अवस्था है, जैसे चाइल्ड बच्चा, चाइल्डहुड बचपन, वो अवस्था है, तो ये बैंकरप्सी गलत हो जाएगा, क्या आएगा हमारा सी ऑप्शन। यहां आप गच्चा खा गए, धोखा खा गए, शब्दों में भावनाओं में बह गए। ध्यान दीजिए आगे, दीज रिडिकुलस वर्ड्स कैनॉट बी अटर्ड बाय ए सेन एंड सेंसिबल पर्सन। क्या बनाना है बेटा, वॉइस, वॉइस, ध्यान देंगे इसमें, These ridiculous words, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, कैन नॉट बी अटर्ड, कैन हमारा मॉडल आया, नॉट नेगेशन है, ये बी आया, अटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों का मिलन हुआ, क्या बन गया पैसिव वॉइस, बाय प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अ सेन एंड सेंसिबल पर्सन, सेन समझदार, सेंसिबल ये भी समझदार, तो ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। अब बेटे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, अब ए सेन एंड सेंसिबल पर्सन, अब यहां से यहां तक देखा तो ये हमारा यहां तक ठीक है, दूसरी बात कैन दे रखा है तो डिड गलत, विल गलत, कैनोट अटर यहां तक ठीक है, नॉनसेंस एंड रिडिकुलस वर्ड्स यानी गलती तो बस यहां है, या तो द की या दीज की, और तो कुछ है ही नहीं। अब यहां पर क्या लिखा गया था डीज, तो हमारा कौन सा आ जाएगा डी ऑप्शन, ये भी गलत।
कोई डाउट? 14th में, अरे बेटा फिर से गलत कर दिया, मिसिंग ला नहीं, मिसिंग ला हमारा सब्जेक्ट क्या है? दीज रिडिकुलस वर्ड्स, ये सब्जेक्ट है। यहां पर पैसिव वॉइस में ए सेन एंड सेंसिबल पर्सन, ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाया, यहां तक सारे सेम थे। फिर कैन नॉट दिया गया, तो कैन नॉट का कैन नॉट आएगा, डिड और विल खत्म हो गया, अटर आ जाएगा, बी अटर्ड आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी का रूप लगाते हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म, अटर यहां तक ठीक है। फिर आगे तो सारा ठीक था, नॉनसेंस एंड रिडिकुलस वर्ड्स, मुद्दा किसका था इन दो का? दातो दे ही नहीं रखा, हमें दीज दे रखा है, आप धोखा खा गए। मिस्टर ककरानिया आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, रवि कुमार जी चूक गए बेटा। कोई बात नहीं, आपकी कोशिश बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आगे देखते हैं बेटा। She said to her only son, may you always be happy. बेटे नरेशन की बात की गई है। दूसरी बात, सेंटेंस का टाइप कौन सा है? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव यानी कामना सूचक। कामना सूचक का मतलब है जिसमें दुआ दी गई है, आशीर्वाद दिया गया है। ओके ओके, बाय मिस्टेक आई डिड सर, कोई बात नहीं, मैं सिंगला कोई बात नहीं। रवि कुमार जी डी 15th में, 15th में डी बोल रहे हैं, देखते हैं। वर्मा जी ने भी डी बोला है, कुमार साहब ने भी डी बोला है, देखते हैं एक बार। बेटे कामना सूचक वाक्य है, दुआ या आशीर्वाद है, तो यहां सबने प्रेड लिखा गया है। शी प्रेड फॉर हर ओनली सन दैट, यहां दैट तक चारों के चारों ठीक हैं। अब ये यू, ये क्या है हमारा? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? सन, तो क्या आएगा? शी तो आ नहीं सकता, गॉड नहीं आ सकता, क्या आएगा? मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, गॉड माइट कीप हिम ऑलवेज हैप्पी, सही है। शी तो आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं, ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। और मेरे बच्चों ने, मंजू जी ने भी, रवि कुमार जी ने भी, मिस्टर ककरानिया, ककरानिया साहब आप चूक गए बेटे, जरा सी गलती हो गई। वर्मा जी, मिस सिंगला, सबने अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। वेल, यादव साहब ने भी डी मारा है, बहुत अच्छे बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है जिसका स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। बेटा ये कॉमेमोरेट अक्सर आपके पेपर में आता है, अक्सर पूछा जाता है कॉमेमोरेट और अकोमोडेशन का स्पेलिंग। बेटे गांठ मार लेंगे इसमें, इसका स्पेलिंग होता है सी ओ एम एम ई एम ओ आर ए टी ई, सी ओ एम एम। अब यहां पर एक एम आया है, गलत हो गया, यहां पे एक एम आया है, गलत हो गया, सी ओ एम एम, और वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा? कॉमेमोरेट, क्या लगा देंगे? कॉमेमोरेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। वेल, खोखर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बी, पहले गलती से टाइप कर दिया था। तक्षक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। अगले पे चलते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस की तरफ। रवि कुमार जी बिल्कुल ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे जल्दी से, 17th के ऊपर फोकस करेंगे। The very first battle they fought, the very first battle they fought and they had to fall back. बेटे शुरू किससे किया है? R और Q से, इसका मतलब P खत्म, S खत्म। अब इसी में देखना है, the very first battle they fought, they fought, cross the border गलत हो गया, यानी किससे शुरू होगा? आर से शुरू होगा,
तो हमारे दो तो एकदम से खत्म हो गए। वेल 17th में सिंगला जी ने बोला है बी, बिल्कुल ठीक है बेटा, ध्यान देंगे एक बार, भिड़ते ही हमारे दो खत्म हो गए बेटे। अब यहां पर कोई चीज कॉमन है, वो क्या है, आर कॉमन था और एस कॉमन है, ये है, बस जोड़ के देखना है। आर क्यू वॉज लॉस्ट, क्रॉस नहीं होता, वॉज लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक, क्या आ जाएगा बी, बहुत ज्यादा आसान था ये तो। नहीं नहीं बेटे वर्मा जी, सॉरी सॉरी, गलत कर दिया आपने। एक बात देखो वर्मा जी, क्या हमारा आर क्यू जुड़ता है, वॉज लॉस्ट क्रॉस द बॉर्डर। बेटे जब जंबल्ड सेंटेंसेस करते हो तो सीरीज में सीक्वेंस में पढ़ के देखा करो, जब आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें रिदम बनती है तो वही है, रिदम नहीं है तो गलत है। और यहां तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, जैसे ही हमने जोड़ के देखा, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फोर्ट, क्रॉस नहीं होता, फोर्ट वॉज लॉस्ट, यानी आर से शुरू होगा, दो खत्म, 50% चॉइस थी। उसके बाद क्या था, हमने आर पी और आर क्यू को जोड़ना था, वॉज लॉस्ट क्रॉस, वॉज लॉस्ट क्रॉस द बॉर्डर, सेंस ही नहीं बनी। अगर यहां अक्रॉस द बॉर्डर होता तो हम सोच सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, शोरन सब 15th पे डी पे कहां पहुंच गए बेटा, लेट ऑल्सो, सर आईएनजी इज यूज्ड विद लेट ऑल्सो। हाँ स्वामी जी, फाइट फोर्ट फोर्ट सेकंड फॉर्म है। शिवानी जी समझ नहीं आया, आईएनजी किस संदर्भ में जानना चाहते हो, अगर मैं लेटिंग की बात करूं तो लेटिंग का प्रयोग किया जाता है, एलईटीटी आईएनजी, इसके साथ आईएनजी लगा सकते हो नो डाउट। नेक्स्ट देखेंगे बेटे जल्दी से, शी विद हर सिस्टर, पहली बात, विद अलोंग विद टुगेदर विद एंड नॉट बिसाइड्स इन एडिशन टू आदि आ जाए तो हमारा सब्जेक्ट ये वाला काम करता है। शी विद हर सिस्टर इज, तो शी के कारण क्या आया, इज एम्प्लॉयड, यहां तक ठीक है, इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कैलकटा वेस्ट बंगाल। बेटे एक होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इसे आप कहते हो अध्यादेश, क्या बोलते हो, अध्यादेश, एक टेम्परेरी जो लॉ होता है टाइम बीइंग, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। आप लोगों की एक मूवी आई थी नायक, उसके अंदर आपके अमरीश पुरी जी कहते हैं इसके लिए भी एक ऑर्डिनेंस है, एक दिन का कोई प्रोविजन होता है वो पास किया जाएगा, अध्यादेश है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी होती है, आयुध निर्माण शाला, वो फैक्ट्री बेटे जहां पर क्या तैयार किया जाता है, गोला बारूद हथियार आदि बनाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयुध निर्माण शाला। सिंफनी ऑर्केस्ट्रा गलत हो गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान गलत हो गया, म्यूजिक एलिगेंट म्यूजिकल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, आर्म्स एंड एम्युनिशन। स्वामी जी ने मुझसे कुछ पूछा था फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, मिस सिंगला लेटिंग होता है, लेटिंग होता है, 19th में सी गलत कर दिया आपने। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन सी होती है, आयुध निर्माण शाला। अगले पर चलते हैं, तक्षक साहब आपने बिल्कुल ठीक लिखा, नहीं बेटे नहीं, 19th में गलत कर दिया आपने, सी नहीं आएगा, आर्म्स एंड एम्युनिशन होता है बेटा, ध्यान देंगे आगे। आई एम स्टिल ड्यूबियस, ड्यूबियस जब आदमी डिलेमा में होता है, डबल थॉट्स में होता है, असमंजस की स्थिति में होता है, वो क्या है, ड्यूबियस अबाउट दैट प्लान यू सजेस्टेड लास्ट इवनिंग। अब करूं ना करूं वैसी जो स्थिति है उस प्रकार की, और हमें क्या चाहिए, इसका एंटोनिम चाहिए ड्यूबियस। ड्यूबियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो डाउटफुल होता है, ड्यूबियस यानी डाउटफुल।
डाउटफुल, और डाउटफुल का उल्टा क्या होता है, जो श्योर होता है, डेफिनेट होता है। तो सर्टेन, सर्टेन हो सकता है हमारा। डोसाइल, वेल कल हमने बात की थी, अच्छा स्वामी जी 17th को रिपीट करता हूं बेटे, दो मिनट इंतजार करो। कल हमने बात की थी, कल या परसों, कि जैसे हम रिश्ता लेने के लिए गए, स्वामी जी के लिए बहू देखने के लिए गया था, तो लड़की वालों ने बोला था आर डॉटर इज एज डिसेंट एंड डोसाइल एज ए काउ, वो इतनी भद्र है और सौम्य है, शिष्ट है, जितनी की एक गाय होती है। तो बेटे डोसाइल गलत हो जाएगा, फेथफुल गलत हो गया, 20th में क्या बनेगा, सर्टेन। सर्टेन एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा सा, स्वामी जी का कुछ डाउट है, 17th पे आ जाएंगे, 17th, हाँ 17th ही है, देखेंगे बेटा। स्वामी जी एक एक को जोड़ के पढ़ते हैं, पहली बात हमारी ऑप्शंस में कौन से दिए गए हैं, आर आर और क्यू क्यू, इसका मतलब पी से नहीं बनेगा, एस से नहीं बनेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटे, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, अब आर और क्यू से बनेगा, दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर नहीं, अक्रॉस होता, अगर होता ना अक्रॉस द बॉर्डर तो हम सोच सकते थे, अब ये तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब इससे शुरू नहीं होगा, किससे शुरू होगा, आर से। अब हमारे पास ये दो कट गए, दोनों के दोनों खत्म हो गए, ठीक है स्वामी जी, इस वजह से हमें किससे शुरू करना पड़ा, वॉज लॉस्ट, यानी आर से। अब आर के बाद क्यू को जोड़ने की कोशिश करते हैं, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट क्रॉस द बॉर्डर, ये लॉस्ट और क्रॉस यहां भी नहीं जुड़ रहा, ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, ये ऑप्शन। फिर हमारी सिंगला जी ने कहा था कि लेटिंग आगे भी देख लेते हैं, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक, फॉल बैक, letting the enemy cross the border and enter the country, letting बिल्कुल ठीक है, to fall back, to let नहीं, letting यहां phrase के साथ लगा दिया, ठीक है बेटा। स्वामी जी अगर अभी भी doubt है तो बता देना, फिर से उठा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने किया था 20th, राखी जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने, अब क्लॉज टेस्ट पे आ जाइए फटाफट जल्दी से। स्वामी जी वर्ब्स कम आफ्टर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ना बेटे ना, कहां दिया है वर्ब्स कम, बेटे वर्ब्स के साथ अगर कम लगाया गया है तो ये गलत है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी बात, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बना नहीं सकता, तो वॉज के साथ या तो आईएनजी आएगा, गलत लिख दिया आपने, वॉज टू कम हो सकता है, आने वाला था, जैसे आना था, ध्यान देंगे जल्दी से फटाफट फटाफट। आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क, मैं मेरे डेस्क पे बैठा था, यानी ऑफिस की बात कर रहा है, वेन देयर वॉज ए लाउड क्रैश एज समथिंग केम फ्लाइंग थ्रू द विंडो। अब ये अपने डेस्क पे बैठा था, यानी कोई व्यक्ति है वो अपना काम निपटा रहा था, ऑफिस का हो सकता है, घर पे बैठा है तो भी वो काम में बिजी है, वेन देयर वॉज ए लाउड क्रैश, फिर वहां क्रैश की आवाज आई कुछ टूटने से संबंधित, एज समथिंग केम फ्लाइंग थ्रू द विंडो, जैसे खिड़की में से कुछ आया हो। At first I thought it was a rock. पहले तो मुझे लगा जैसे कोई स्टोन आ गया। But then I realized it was a cricket ball. फिर मुझे बोध हुआ कि ये तो एक क्रिकेट की गेंद थी। I picked up the ball and put it on the desk. मैंने उसे उठा लिया और कहां रख दिया? Beside. उसे डेस्क पे मेरे साथ रख दिया। Beside क्या है बेटे? Preposition. और preposition के साथ ऑब्जेक्ट आता है, क्या आ जाएगा? Me.
टू यंग बॉयज अपियर्ड आउटसाइड द ब्रोकन विंडो. अब दो बच्चे उस टूटी हुई खिड़की के बाहर आते हैं. दे सेड दे वर सॉरी, उन्होंने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी. बट देन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर दिया. एंड ब्लेमिंग डैश, ब्लेमिंग अनदर गलत हो जाएगा. वन अनदर दो के लिए ईच अदर होता है, दो से अधिक हो तो वन अनदर आता है. अदर गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्लेमिंग द अदर्स, ब्लेमिंग द अदर्स फॉर कॉजिंग द एक्सीडेंट. देन सडनली वन ऑफ देम आस्क्ड इफ डैश कुड हैव द बॉल बैक, कुड हैव मॉडल और वर्ब आया बेटा. फिर उनमें से एक ने पूछा क्या वो गेंद ले सकते हैं. इट गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? अब वहां पर बॉयज की बात आई थी तो या तो ही होना चाहिए था, वो नहीं है, देन गलत हो गया. दे हो सकता है, ये देन की अपेक्षा के लिए क्या आ जाएगा? दे, दे, दे कुड हैव द बॉल बैक. आई सेड आई डोंट थिंक डैश, आई डोंट थिंक सो, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, आई डोंट थिंक सो. फिर आगे आया आपका नॉट अंटिल डैश पे फॉर इट, जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम इसके लिए पे ना करो. इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, क्या आ जाएगा? यू, यू पे फॉर इट. हो गया बेटी? वेल यादव साहब देन गलत हो गया पुत्र. तक्षक साहब ने 22वें में बोला डी, नहीं तक्षक साहब सी नहीं आएगा. ब्लेमिंग अदर नहीं, ब्लेमिंग द अदर. वीरेन जी 23वें में सी कहा, 23वें में सी दे, बिल्कुल ठीक है आपका. वर्मा जी आपने यू कौन से के लिए बोला? 25th में यू, ठीक है. अरे वाह, कुमार साहब ने भी ठीक बोला है, वीरेन जी और रवि जी दोनों ने. तक्षक साहब 25वें में बी कह रहे हैं. बेटे तक्षक साहब एक बार ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं, इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो जब हम यू लिखेंगे तो आई सेड टू देम आएगा ना, तो देम के अनुसार दे तब लगता जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं. तो तक्षक साहब ये गलत हो जाएगा. शाबाश, किसी को डाउट है तो वो मेंशन कीजिए आप फटाफट. बहुत अच्छे, आपकी परफॉर्मेंस देख के अच्छा लगा मुझे. आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, सराहनीय है. आगे बढ़ जाए बेटे, अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे. वेल बेटे ध्यान देंगे प्लीज. हमारे इडियम्स आए हुए थे बेटा, इडियम्स. अच्छा रवि कुमार जी 22 बताना सर, देखेंगे बेटा, एक मिनट रुकना पड़ेगा, बस एक ही मिनट. 22वां
बेटे ध्यान देंगे एक बार, देखो बेटे, दे सेड दे वर सॉरी, उन्होंने फील किया, अपोलोजाइज दिया क्या, बट देन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। दो व्यक्ति थे बेटे रवि जी, वे दो व्यक्ति थे, तो दो व्यक्ति आपस में क्या लगाते हैं, ईच अदर। एंड आया बेटा एंड ब्लेमिंग ईच अदर हो सकता था, लेकिन ईच अदर तो दिया नहीं हमारा, अनदर आएगा नहीं, ब्लेमिंग अनदर, वन अदर गलत होता ही नहीं है। फिर आया बेटे अदर और द अदर, अब ब्लेमिंग अदर नहीं, ब्लेमिंग द अदर, पर्टिकुलरली उस दूसरे व्यक्ति को, तो इसीलिए क्या आया हमारा, ब्लेमिंग द अदर। दोहन साहब सर नहीं, निंद्रा आना का टाइम पर क्लास कर रखी है, ये समझ नहीं आती आप लोग जब ये इस प्रकार से लिखते हो सर सही, निंद्रा आने, अच्छा नींद आने की बात कर रहे हैं दोहन साहब, भाई कम पिया करो ना, आंखें खुली रहेंगी। रवि जी यस सर, ठीक है, थैंक यू बेटे रवि। और दोहन साहब कंसंट्रेट करो थोड़ी देर, जल्दी से, देखेंगे जल्दी से idioms। पहला है बेटे हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट। जब कभी भी आपकी कोई लॉटरी वगैरह लगती है आप क्या कहते हो, हिट द जैकपॉट, ऐसा ही बोलते हो बेटा, भाई उस आदमी की लॉटरी लग गई, उसने तो क्या किया है, जैकपॉट को हिट किया है, इस प्रकार से बोलते हैं आप, वो क्या होता है, हिट द जैकपॉट। अब यहां पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, फटाफट लिखेंगे। वर्मा जी ने फर्स्ट में बोला बी, बी यादव साहब ने भी बोला बी, अरे वाह, हिट द जैकपॉट। अब बेटे पहला आया गैम्बल, जुआ खेलना, दांव पर लगाना, गलत हो गया। गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हो सकता है, टू बी वेल्दी धनी होना, गलत हो गया। टू मेक मनी क्विकली यह भी हो सकता है, अब मेक मनी तो बेटे गलत तरीके से भी हो सकता है। मेरे सारे बच्चों ने, तक्षक साहब, कुमार साहब, मंजू जी सब ने अच्छा बोला है, क्या आ जाएगा, टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, जैकपॉट हिट कर दिया, जैकपॉट हिट करना, जब सक्सेसफुल हो जाते हो, सडनली गेट और विन अ लॉट ऑफ मनी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं हिट द जैकपॉट। इसका उल्टा होता है बेटे, जब आपका प्लान या करियर रुक जाता है उसे कहते हैं हिट द बफर्स, हिट द बफर्स। बेटे जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हो बफरिंग शुरू हो जाती है, वो धीरे 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 चलता है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हिट द बफर्स। यानी जब कोई योजना या किसी का करियर वो क्या बफर को हिट करता है, इट मींस इट सडनली स्टॉप्स बीइंग सक्सेसफुल, कि धीरे धीरे वो रुक जाता है, सफल नहीं हो पाता है, रुकना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिट द बफर्स। और हिट द जैकपॉट अनएक्सपेक्टेडली, जब आपका छप्पर फट के कुछ हासिल होता है। आगे आया बेटा बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फटाफट बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। मिस्टर डिगलिया जी बी, बी आपका ठीक था। रवि कुमार गैम्बल और गैम्बल डिफ गैम्बलर। बेटे कुमार साहब गैम्बल होता है वर्ब, जुआ खेलना गैम्बल, और बेटे गैम्बलर, गैम्बलर होता है जुआरी। स्पीक मतलब बोलना, स्पीकर मतलब बोलने वाला, प्ले मींस खेलना, प्लेयर मींस खिलाड़ी। वेल
सेकंड में बच्चों ने दिया डी, वर्मा जी ने, दोनों वर्मा जी ने बोला डी। देखेंगे टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बेटे समझेंगे, ये मान लीजिए एक कैंडल है, ये मोमबत्ती है, आप इसको दोनों तरफ से जलाते हो तो जल्दी जल्दी मेल्ट होगी बेटा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खराब हो रही है, ऐसे जलाओगे बराबर चलेगी, लंबी चलेगी बेटे, तो ये दोनों तरफ से जलाना यानी एक तरह से फिजूल खर्ची करना, दोनों हाथों से लुटाना तो व्यर्थ गवाना, उसे कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। अब स्पेंड कॉशियसली, ये तो गलत हो गया। स्टिंजी, जो कंजूस किस्म का होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहां पर, स्टिंजी, ठीक है, जो क्या है, जो उदार नहीं है, कंजूस है, उसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्टिंजी। ये भी गलत हो गया। टू बी एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट क्या है, फिजूल खर्च जो होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, ये हो सकता है हमारा। टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी, ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन। शिवानी जी, दुहन साहब, आपने ठीक बोला, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। अगले पे चलते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दोनों हाथों से लुटाना। मोटी सी बात है, आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला देते हो, दोनों एंड्स, तो क्या होगा, वो वेस्ट ज्यादा होता है, जरूरत उतनी नहीं है जितना हम प्रयोग में ला रहे हैं। थर्ड को देखेंगे जल्दी से, स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो, इसका मतलब होता है बेटे द सिचुएशन एज इट इज नाउ और एज इट वॉज बिफोर आर रिसेंट चेंज, यू कैन से द प्रेजेंट सिचुएशन, कोई भी ऐसी स्थिति जो पहले थी उसमें एज इट इज, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेटस क्यो। अनचेंज्ड पोजिशन हो सकता है, एक्सीलेंट प्लेस गलत हो गया, अनब्रेकेबल स्टेच्यू गलत हो गया, लॉन्ग क्यू बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। क्या आ जाएगा बेटे आपका, आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन, अनचेंज्ड पोजिशन। रवि कुमार जी, डी भी हो सकता है सर, डी किसमें बेटा, ए ए ए ए, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। यादव साहब, वर्मा जी, वर्मा जी, शोरान साहब, कुमार साहब, एक देखेंगे डी किसने बोला, रवि कुमार जी ने, वो देखेंगे एक बार थर्ड में, पिछले में बेटे सर्वाइव विद डिफिकल्टी, इसके लिए हमारे पास इडियम होता है वो समझेंगे। एक होता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, और एक होता है बेटे मेक बोथ हैंड्स मीट, मेक बोथ हैंड्स मीट, और एक होता है बेटे कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर एग्जामिनर अवे लिख कर देता है, हमें अवे को काटना है। तो बेटे आप कौन से थे, नाम भूल गया मैं, दो में बेटे सेकंड के लिए क्या नाम था, रवि जी, ध्यान दो रवि, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को भूख के लिए, तंगहाली के लिए, दरिद्रता के लिए जाना जाता है। कई बार आपको कहते हो भूखा भेड़िया, तो जब कभी भी निर्धनता की बात आते हैं तो हम कहते हैं भेड़िए को अपने दरवाजे से दूर रखना, दरिद्रता को, निर्धनता को, भूखमरी को। ऐसे ही होता है मेक बोथ हैंड्स मीट, एक दिन के दो छोर होते हैं, सुबह और शाम, उनको जैसे तैसे जोड़ने की कोशिश करना, यानी जो आपके पास सोर्सेज है उन्हीं के अंदर सर्वाइव करना, सस्टेन करना। और एक है बेटे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, किसी छोटे से बच्चे के सामने आप कोई भी चीज डाल दीजिए, वो उसे खाने की कोशिश करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है। एक गरीब आदमी को इस देश की राजनीति से, यहां के धर्म संकट से, इस प्रकार के कोरोना आदि से कोई लेना देना नहीं, उसे बस लेना देना क्या है, वो तो हैंड टू माउथ रहता है, यानी कोई चीज मिल जाए, पेट भरे, फिर आगे के बारे में सोचेगा।
तो ये जो तीन थे आप इसके लिए कह सकते हो टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी, ये तो आ सकता था, लेकिन बेटे यहां पर हमारा था बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब है जरूरत नहीं किसी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाने की, दोनों तरफ से जलाओगे तो वो क्या है एक्सेसिव यूज हो गया ना, इसीलिए कुमार साहब ये बोला गया है टू बी एक्स्ट्रावेजेंट यानी फिजूल खर्च, टू यूज मोर देन रिक्वायर्ड उसे बोला जाता है। अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आप लोगों से विराम लेना चाहूंगा और आपसे गुजारिश है आप जो पहले की तरह मैसेजेस कर रहे थे वो ना किया करें, उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, और आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे प्रमोशन भी दीजिए। थैंक यू।